योगी आदित्यनाथ ने कल सांभा में रामगढ़ में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि अगर जम्मू कश्मीर में बीजेपी की सरकार आती है तो पीओके भी भारत का हो जाएगा। उन्होंने कहा कि इसे लेकर पाकिस्तान में हलचल है। रैली में योगी ने कहा कि पाकिस्तान में लोकतंत्र बचाने की हलचल चल रही है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान मानवता के लिए कैंसर की तरह है। याद रखना, पाक अधिकृत कश्मीर भी फिर कश्मीर का ही पार्ट होने वाला है, जम्मू कश्मीर का ही भाग होने वाला है। योगी आदित्यनाथ दहाड़ रहे हैं, जम्मू कश्मीर के लोग गौर से सुन रहे हैं और यकीनन ये आवाज पाकिस्तान भी सुन रहा होगा। बहनों और भाइयों, शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव और भारतीय जनता पार्टी की यहां पर वापसी। याद रखना, पाक अधिकृत कश्मीर भी फिर कश्मीर का ही पार्ट होने वाला है, जम्मू कश्मीर का ही भाग होने वाला है। और यही तो हलचल है पाकिस्तान में, वे अपने लोकतंत्र को बचा नहीं पाए। उनको अपने लोकतंत्र को बचाने के लिए मशक्कत करनी पड़ रही है और मशक्कत करते करते आज पाकिस्तान इस स्थिति में पहुंच गया है कि वहां पे 1 किलो आटा के लिए भी लाले पड़ रहे हैं। जम्मू कश्मीर के तीसरे चरण के चुनाव में प्रचार जोरों पर है। योगी आदित्यनाथ की एंट्री ने बीजेपी के प्रचार अभियान को नई धार दे दी है। योगी बार बार पीओके और पाकिस्तान का जिक्र कर रहे हैं। एक तरफ भारत है और दूसरी तरफ पाकिस्तान है, रोटी के लाले पड़ रहे हैं। स्वाभाविक रूप से भिकमंगा पाकिस्तान आज अपने आप को नहीं संभाल पा रहा है। कहीं पर पाक अधिकृत कश्मीर उससे अलग होने की आवाज उठा रहा है, वो कह रहा है कि हमें भी तो अधिकार था जम्मू कश्मीर के चुनाव में भाग लेने का, और जम्मू कश्मीर के चुनाव के साथ पाक अधिकृत कश्मीर में भी, मुर्शिदाबाद में भी अगर चुनाव होता ना तो और अच्छा संदेश जाता, लेकिन संदेश आपको देना है इस चुनाव के माध्यम से। सीएम योगी यही नहीं रुके, उन्होंने बलूचिस्तान का जिक्र किया और पाकिस्तान को मानवता का कैंसर बता दिया। दूसरी तरफ बलूचिस्तान अलग से कह रहा है, वो कह रहा है कि पाकिस्तान से हमारी केमिस्ट्री तो मिलती ही नहीं है, हमारी केमिस्ट्री उससे मिलती ही नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान तो मानवता का दुश्मन है, ये मानवता का एक कैंसर है, इस कैंसर से दुनिया को मुक्ति मिलनी ही चाहिए और उस मुक्ति के लिए हम सब आपके पास आए कहने। जम्मू कश्मीर में योगी की रैलियां चर्चा में हैं। विपक्षी खेमे में योगी का असर देखने को मिल रहा है। योगी के जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में प्रचार में आने की खबर जब पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती को लगी थी तो उन्होंने क्या कुछ कहा, यह आपको जानना चाहिए। तो बुलडोजर बाबा आ रहे हैं, मालूम है ना बुलडोजर बाबा कौन है? वही मंदिर मस्जिद करने के लिए। उनको मैं बताना चाहती हूँ, रघुनाथ बाजार में, जो रघुनाथ मंदिर में हमारे श्री राम है रहते हैं, वो वही अयोध्या के श्री राम है जिन्होंने वहाँ आपको बुलडोज करके अयोध्या से निकाल दिया। इतने भी तुसानों कुछ नहीं लगना। दूसरी बात मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, आपको मंदिर बनाने की इतनी जल्दी थी खोलने की, इलेक्शन की वजह से बारिश हुई और हमारे श्री राम के मंदिर में पानी आ गया। साफ है योगी असर दिखा रहे हैं, जम्मू कश्मीर की जनता पर ही नहीं विरोधियों पर भी। आज तक ब्यूरो। जम्मू कश्मीर के चुनाव बीजेपी के नेता लगातार पीओके का मुद्दा उठा रहे हैं। 8 सितंबर को रामबन की रैली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा था कि पीओके के लोगों को हम अपना मानते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जम्मू कश्मीर का विकास देखने के बाद पीओके के लोग भी कहेंगे कि हम भारत के साथ ही जाना चाहते हैं। भाइयों, यहां भी सरकार बनाइए, यहां के विकास को देखकर पीओके के लोग कहेंगे कि हम पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते, हम भारत के साथ जाना चाहते हैं। हम लेकर आएंगे पीओके, हमारा
और मैं आपको यह जानकारी देना चाहता हूं, अभी हाल में ही एक हलफनामा कोर्ट में देते हुए वहां के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने यह कहा कि पीओके ये फॉरेन लैंड है। मैं पीओके के लोगों से कहना चाहता हूं, पाकिस्तान के लोग आपको फॉरेनर मानते हैं, आपको विदेशी मानते हैं, लेकिन भारत के लोग आपको विदेशी नहीं मानते हैं। पीओके के लोगों को हम अपना मानते हैं। आइए हमारे साथ आइए। सुनील जी भट्ट मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। सुनील देखिए, दो दिग्गज बड़े नेता पीओके का जिक्र कर रहे हैं, कैसे मन से, जहां पर उन्हें चुनाव प्रचार करना था। जाहिर तौर पर इसके कई मायने निकाले जा सकते हैं कि वहां की जनता का दिल भी जीतना है और साथ ही आगे का रोड मैप भी तय करना है अगर बीजेपी की सरकार बनती है। जी बिल्कुल नेहा, इस समय अगर हम देखें तो जम्मू कश्मीर में चुनावी सरगर्मी जो है काफी तेज है। अब एक चरण का मतदान रह गया है, लेकिन एक काफी जो है क्रूशल फेज है, क्योंकि इसमें 40 विधानसभा सीटों पर मतदान होना है, जिनमें 24 जो है जम्मू संभाग में है। बीजेपी जो है अब पूरा दमखम लगा रही है, बड़े नेता यहाँ पर प्रचार करने के लिए आ रहे हैं। कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ थे और उन्होंने 3 जनसभाओं को संबोधित किया और अपने संबोधन में उन्होंने पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर को लेकर एक बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि चुनाव के बाद अगर बीजेपी की जीत होती है तो पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर भी वापस मिल जाएगा, उसे वापस लिया जाएगा। तो एक बहुत बड़ा दावा है, लेकिन अगर हम देखें नेहा, तो चुनावी सरगर्मी जो है काफी तेज है। भारतीय जनता पार्टी इस प्रयास में लगी है कि वो जम्मू संभाग से अधिक सीटें जीते और बीजेपी का लक्ष्य है कि वो यहाँ जम्मू कश्मीर में जो है सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के रूप में उभर पाए। तो अब 8 तारीख को जो मतगणना होनी है, रिजल्ट का दिन है, बड़ा दिन होगा। देखना ये बाकी है कि क्या यहाँ पर समीकरण बनते हैं, लेकिन बीजेपी के जो बड़े नेता हैं वो पूरी जान इस कैंपेन में लगा रहे हैं और प्राथमिकता उनकी यही है कि अधिक से अधिक सीटें जीते। योगी आदित्यनाथ का बयान जो है काफी महत्वपूर्ण बयान है। हालांकि ये पहली बार नहीं है कि बीजेपी के किसी नेता ने बयान दिया है, लेकिन चुनावी मौसम में जब ऐसा बयान आता है तो उसका महत्व और भी बढ़ जाता है। नहीं, इसके साथ ही ये महबूबा मुफ्ती जिस बात का जिक्र कर रही थी कि बुलडोजर बाबा आएंगे और मंदिर मस्जिद का जिक्र करेंगे, मंदिर मस्जिद का जिक्र हुआ योगी जी के संबोधन में? देखिए, यहाँ पर अगर हम देखें तो महबूबा मुफ्ती भी आई हुई थी, पीडीपी की अध्यक्षा, उन्होंने भी यहाँ पर पार्टी के उम्मीदवारों के लिए प्रचार किया और उनसे यहाँ पत्रकारों ने भी सवाल पूछे कि योगी आदित्यनाथ यहाँ आ रहे हैं, तो उस पर महबूबा मुफ्ती ने तीखी टिप्पणी की है और उनने इस बात ये बात कही कि अभी जो हाल ही में लोकसभा के जो चुनाव हुए, उन चुनावों में जो फैजाबाद की जो लोकसभा सीट है वहां से बीजेपी की हार हुई, क्योंकि उसी सीट में अयोध्या भी आता है। तो विपक्षी पार्टियां जो है उस चीज का हवाला दे रही है योगी आदित्यनाथ पर कटाक्ष करने के लिए, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने अपने यहाँ संबोधन में साफ तौर पर कहा कि बीजेपी जो है वो जम्मू कश्मीर के विकास के लिए प्रतिबद्ध है और साथ ही में उन्होंने पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर को लेकर भी एक बड़ा बयान दिया है। तो यहाँ पर चुनावी जो है इस समय कैंपेन अपने चरम पर है और चुनावी प्रचार चल रहा है, बीजेपी के दिग्गज वहां पहुंच रहे हैं और वहां रैलियां कर रहे हैं। तो यूपी से लेकर जम्मू कश्मीर तक योगी जी चर्चा में है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जम्मू कश्मीर पहुंचने से पहले महबूबा मुफ्ती ने उन पर सवाल उठाया था और महबूबा के बयान पर यूपी में पक्ष विपक्ष में ही घमासान छिड़ गया। एक बार साथ में रहे हैं, ऐसा नहीं कह सकते, भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे हैं महबूबा जी। अगर महबूबा और ये भी कश्मीर के नेताओं ने अगर काम ही अच्छा किया होता तो वहाँ नेताओं को बक्से में, बुलेट प्रूफ बक्से में बैठ के भाषण देना पड़ता था, बुलेट और बंदूक का पूरा आतंक था वहाँ। आज कम से कम बटन के सहारे वहाँ समृद्धि, शांति, सुरक्षा, सम्मान लोग प्राप्त करने के लिए हर वर्ग के लोग वहाँ वोट देना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी की लंबी लड़ाई की देन है कि आज वहाँ हम चुनाव करा कर धारा 370 खत्म के वहाँ अमन चमन लाना चाहते हैं, वहाँ के लोगों को विकास देना चाहते हैं। इसलिए वहाँ एक तो हिंदी उपेक्षित था और तमाम लोगों को उनको मनोबल चाहिए, चूँकि उनका मनोबल लंबे समय से गिरा था, इसलिए मुख्यमंत्री का जाना वहाँ अनिवार्य था। इसलिए धन्यवाद। योगी आदित्यनाथ जो अपने प्रदेश में चुनाव निरंतर हार रहे हैं, अभी प्रचंड हार हुई इनकी, अयोध्या हारे, सुल्तानपुर हारे, बहुत सारी अन्य, श्रावस्ती हार गए, चित्रकूट हार गए, और इनके पास कोई काम नहीं है। ये बात सही है कि इनके मंचों से केवल अपशब्द, विपक्ष के लिए बुरी भाषा और झूठ फैलाया जाता है। यही काम ये कश्मीर में भी जाकर करेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा ये है कि मुद्दों की बात मत करो।